देश आर्थिक ढलान पर है। सच्चाई ये है कि भारत आर्थिक मोर्चे पर बहुत पहले ही फिसलने लगा था। महामारी और लॉकडाउन ने सिर्फ इसके लुढ़कने की रफ्तार को गति दे दी। अब सबकी आंखें लगी हुई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कि कैसे सरकार की गिरती आमदनी और बढ़ते हुए खर्चों के बीच वो देश का बजट रखती हैं। कई आर्थिक जानकारों का मानना है कि सरकार आने वाले वर्ष में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपना राजकोषीय घाटा बढ़ा सकती है। सवाल है कि सरकार अमीरों पर टैक्स बढ़ाकर देश को वित्तीय संकट से उबारने का प्रयास कर सकती है कि नहीं। दरअसल देश में 1971 में 5 करोड़ सालाना कमाने वालों पर 85% टैक्स और 10% सरचार्ज लगता था, जिससे कुल टैक्स 93.5% पहुंच जाता है। इसके बाद ये लगातार घटने लगा। मसलन 1974 में 5 करोड़ सालाना आमदनी पर कुल 77% टैक्स, 1976 में कुल 66%, 1984 में 61.9% और अगले साल ये आंकड़ा पहुंच गया कुल 50 पर। 1992 में 5 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले 44.8% आयकर चुका रहे थे और 1997 में इनकम टैक्स और घटकर आ गया 30% पर। लेकिन 2019 आते आते इसी 30% टैक्स पर 37% सरचार्ज सरकार वसूलने लगी, जिससे वार्षिक आमदनी पर कुल टैक्स पहुंच गया 42.7% पर। अब अगर सरकार इन अमीर लोगों पर लगने वाला टैक्स बढ़ाकर 50% भी कर देती है तो उससे सरकारी खजाने में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। कारण है, इस टैक्स स्लैब में बेहद ही कम भारतीय आते हैं। इनकम टैक्स के अनुसार साल 2019 में सिर्फ 2849 लोगों ने ही अपनी आमदनी 5 करोड़ से ज्यादा बताई थी। साल 1963-64 में भारत चीन युद्ध के बाद देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जहां एक तरफ देश पर चढ़ा कर्ज बढ़ता जा रहा था, वहीं देश में फौज पर खर्च युद्ध के बाद आसमान छू रहा था। उस समय देश को इससे निकलने के लिए तब के पीएम मोरारजी देसाई ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया था, विदेश यात्राओं में कमी की गई थी ताकि देश का फॉरेन रिजर्व मजबूत रहे। इसके साथ साथ अमीरों पर सुपर प्रॉफिट टैक्स के नाम से आयकर बढ़ाया गया था। जानकारों की माने तो ऐसा ही कुछ निर्मला सीतारमण भी कर सकती है। इससे भले ही सरकार को काफी बड़ी रकम हासिल ना हो, लेकिन अमीरों पर टैक्स लादकर सरकार अपनी छवि तो चमका ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।